सो गाइस, लास्ट वाली एपिसोड में जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सारे एवेंजर्स लोग पार्टी कर रहे थे और थैनोस और सारे बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि वो हार चुके थे, बट वो लोग हार मानने नहीं वाले थे और वो लोग ने एक काम किया, भाई यार ये सुपरमैन को किडनैप कर लिया और सुपरमैन को किडनैप करने के बाद सुपरमैन को बेहोश कर दिया और एक लैबोरेटरी में लेके गए और सुपरमैन का ज्यादा पावरफुल एक इवल सुपरमैन बनाया और उसे भेज दिया अवेंजर्स हाउस में, और वो अवेंजर्स हाउस में जाने के बाद सारे अवेंजर्स लोगों को धीरे धीरे मारने लगा। तो आज के एपिसोड में देखेंगे उसके आगे। अरे गाइस यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, पीछे देख रहे हो मतलब कि सारे अवेंजर्स, पता नहीं यार क्या हो गया है, सब लोग बेहोश कैसे हो गए और सुपरमैन से मुझे यार कुछ दिक्कत लग रही है। पहले से ही मुझे वो बदला बदला सा लग रहा था और अभी तो यार वो तो डेंजर हो गया है, मतलब यार हंस रहा है। सिंचन मेरा बात सुन, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है। अरे फ्रैंकली भैया, अंदर क्या सीक्रेट पार्टी चल रही है? अरे वाह, सीक्रेट पार्टी, मेरे को बुलाया नहीं, बहुत ही खराब है आप लोग। ए फ्रैंकलिन, तुम मेरे साथ भी ऐसे ही करोगे, अंदर सीक्रेट पार्टी रखते हो और हम लोग को बताते भी नहीं हो, गलत बात हाँ, गलत बात। अरे भाई ये दोनों बाबूचक को कैसे समझाएं, अंदर भाई अवेंजर्स लोग मर रहे हैं मतलब बेहोश हो रहे हैं और इन लोगों को पार्टी की सूझी है। रुक जा यार, हल्का से देख लेते, इन लोगों को देखने देगा तो कुछ बकलोलियत ही कर देगा। एंड गाइस, ये क्या मैंने देख रहा हूँ, भाई यार ये तो सुपरमैन है और भाई ये क्या कर रहा है, और भाई यार देख रहा हूँ सारे अवेंजर्स मतलब कि सारे के सारे बेहोश हो चुके हैं सिर्फ हम लोग तीनों को छोड़ करके, उसमें से दो जन तो अवेंजर्स में आते ही नहीं है और गोकू भी अवेंजर्स का नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये यार सुपरमैन नहीं हो सकता, ये तो कुछ और ही है। चलो इसकी बात सुनने का कोशिश करते हैं। हा, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारे अवेंजर्स लोग को बेहोश कर दिया, अब मैं काम करता हूँ, थैनोस सर को फोन लगाता हूँ और वो यहाँ पे आ जाए और ये सारे अवेंजर्स लोग को लेके चले जाए। हा, मैंने उनका काम कंप्लीट कर दिया, कितने गर्व करेंगे मेरे ऊपर, सुपरमैन, इवल सुपरमैन की जय हो, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया। और ये गाइस यार, ये तो थैनोस करा रहा है, मतलब यार थैनोस भी आने वाला है, एक काम करना पड़ेगा हम लोग को यार तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ पे थैनोस भी आने वाला है, भाई यार क्या क्या चीज होने वाला समझ ही नहीं आ रहा। अरे वाह दोस्तों, चलो जल्दी से अंदर चलता हूँ, पता नहीं चौको चिप्स खत्म हो जाए तो क्या ही दिक्कत होगा। अरे वाह चलो अंदर चलता हूँ। अरे सिंचन हट जाओ वहाँ से, हट जाओ मत जाओ अंदर। अरे ज्यादा चौको चिप्स है, चलो चेक ही करके आ जाता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सारे लोग बेहोश पड़े, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या चल रहा फ्रैंकली भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा, गोकू को भी यही बात बता क्या, भाई यार यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे गोकू अंदर ना कुछ गड़बड़ है, जल्दी आओ चेक करो, बहुत ही कुछ गड़बड़ है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं भी देख रहा हूँ अंदर जाके। ए, क्या गड़बड़ है, अंदर कुछ गड़बड़ है, चलो जल्दी से चेक करता हूँ क्या गड़बड़ है। एक सेकंड, ये क्या, यहाँ पे तो सारे अवेंजर्स बेहोश हो गए, ये तो अभी कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए आए थे, ये बेहोश कैसे हो गए फ्रैंकलिन? और यार मुझे भी नहीं पता चल रहा, और ये जो सुपरमैन है ना, ये कोई नॉर्मल सुपरमैन नहीं है, हमारा दोस्त सुपरमैन नहीं है, ये भाई इवल सुपरमैन है, और भाई ये थैनोस से कॉन्टेक्ट कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पे लगता है थैनोस आने वाला है। थैनोस आने वाला है फिर से, इस बार तो मैं सच में उसे छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा। देखिए थैनोस सर, मैंने सारे अवेंजर्स लोग को यहाँ पे बेहोश कर दिया है, अब बताइए आगे क्या करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सायरननेट जरा सीखो, सीखो ये सुपरमैन से, ये कल का आया हुआ लौंडा पूरा मचा रहा है और तुम घोस्ट कंपनी का हेड हो करके तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, शर्म करो, कुछ शर्म करो अपने ऊपर। मैंने जितना हो सका मैंने किया, और क्या करो, सारे लोगों को मारा बट मेरा चलती ही नहीं, तो मैं क्या करो, मेरी हड्डियां ही नहीं है, मतलब कि मांस ही नहीं है, सब मेरे से डरते ही नहीं, क्या ही बताऊं। छोड़ो वो सब बात छोड़ो, अभी हम लोग जीत रहे हैं तो क्यों ना ये जीत को पूरी अच्छी विक्ट्री में बदला जाए। एक काम करते, सारे अवेंजर्स लोग को वो डॉक्टर के पास लेके जाते और सारे लोगों को सुपरमैन की तरह विलन बना देंगे, हा, जिसके मदद से हमें कोई मारने वाला रहेगा ही नहीं, वो भी हमारे टीम में आ जाएगा तो पूरी दुनिया से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम लोग पूरी दुनिया को आराम से जीत लेंगे। अरे गाइस ये क्या, मतलब ये सारे अवेंजर्स लोग को इवल में कन्वर्ट करना चाहता है, जैसे कि भाई लोग सुपरमैन को इसने इवल में कन्वर्ट कर दिया, सिंचन देख रहे कितनी गलत चीज हो रही है। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात हो रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, चलो मैं जल्दी से करने कोशिश करता हूँ, तुम लोग सब रुक जाओ। ये लोग कहाँ चले गए, और हाँ बाकी सारे अवेंजर्स कहाँ चले गए, वेजिटा, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, तुम लोग सब कहाँ चले गए? यहाँ पे तो बहुत लोग लेटे हुए थे, कोई है ही नहीं, फ्रैंकलिन ये लोग कहाँ गए?
और ये गाइजर यहाँ से भाई आदमी लोग गए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग पावर यूज करके भाई वही डॉक्टर के पास चले गए जो यार इसे कन्वर्ट करने वाला है इवल सब में। भाई यार मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अबे यार थानोस की ऐसी की तैसी ये हमारे घर में घुस करके हमारे लोगों के ऊपर कब्जा करके हमें पर चाल चल रहा है। मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। भाई सब सारे एवेंजर्स लोग को लेके चला गया। अब क्या अकेले में पार्टी कच्चू करेंगे? अरे फ्रैंकली भैया आपको अभी भी पार्टी करने की सूझ रही है? अभी हम लोग को वो सारे एवेंजर्स लोग को बचाना पड़ेगा। वो सारे लोग बेहोश है, मरे तो नहीं है ना? अरे हाँ यार वो सारे लोग बेहोश है, मरे तो नहीं है, बट यार हम लोग बचाएंगे कैसे? हमें तो पता ही नहीं है कि भाई वो लोग कहाँ पे हैं। एक काम कर यार सिंचन, तेरे को कुछ याद आ रहा है उसने क्या बोला था? डॉक्टर और भाई पता नहीं पागल साइंटिस्ट टाइप का बोला था जो भाई ईवल बनाता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह है। अरे हाँ फ्रैंकली भैया यहाँ पे तो एक ही जगह है, लेबोरेटरी, वहीं पे ये सब काम होती है। शायद फ्रैंकली भैया ये सारी चीजें वहीं पे हो रही होगी, हम लोग को जल्दी जाके चेक करना पड़ेगा। तुम लोग दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा फ्रैंकलिन। अरे यार तुमको भी मैं रास्ते में समझा दूंगा, चलो जल्दी चलो। गाइजर वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या सुपरमैन अभी भी है कि नहीं है, क्योंकि अगर सुपरमैन हमें मिल गया ना तो हम लोग हरा पाएंगे। आ जाओ तुम लोग सब लोग जल्दी बाहर आ जाओ, हम लोग चलते। भाई यार भाई वहाँ पे जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे जाने के बाद सब लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। लेबोरेटरी में हो सकता है कि सारे लोग अभी भी हो और वो मशीन भी हो जिससे भाई ईवल बना जा रहा है सारे सुपर हीरो को। आ जाओ तुम लोग सब भी बैठ जाओ। अरे फ्रैंकली भैया ये तो बैटमैन की गाड़ी है ना? अरे हाँ यार बैटमैन की गाड़ी है, बैटमैन तो अभी नहीं है इसीलिए मैं उसकी का गाड़ी चला लूंगा। जल्दी आ जा, तू भी बैठ जा। दोस्तों बैटमैन तो अभी बेहोश में, बट सच बताओ अगर वो जाग गया और अपनी गाड़ी को भी देखेगा तो फिर से बेहोश हो जाएगा। अरे सिंचन क्यों बेहोश होगा यार, क्यों बेहोश होगा? अरे देखो तो अभी अब चलाने के समय में कितनी गाड़ी को ठोकते हो। अरे सिंचन मैं नहीं ठोकूंगा, तू पागल है क्या? अरे वो तो अभी वक्त ही बताएगा, चलिए चलिए। अरे यार सिंचन तू मेरा कितना मजाक उड़ाता है, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं फिर गोकू को दे दूंगा और वो गाड़ी चलाता नहीं वो गाड़ी उड़ाता है। अरे ठीक है आप ही चलिए आप ही चलिए। अच्छा है कि गाड़ी सिर्फ ठुके, मैं उड़ना नहीं चाहता। चलो आइए ना लाइन में गाइजर, चलो। ओ भाई साहब इसमें बूस्ट भी है। भाई यार ये बैटमैन की गाड़ी को कैसे संभाला जाए मुझे तो समझ ही नहीं आता। देख रो भाई यार इतनी खतरनाक बूस्ट है ना कि भाई इसकी स्पीड इतनी आगे बढ़ जाती है। हट जाओ सामने से, अबे मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे भाई साहब ये गाड़ी तो भाई अजीब टाइप की चल रही है। ओके यार देख रो, ओ भाई अबे सामने से हटो, ट्रक वाले लोग, ट्रक टकरा गया, पीछे इतना धामाधोड़ एक्सीडेंट हो गया। अरे माफ कर देना फ्रैंकली भैया की वजह से हुआ है, पुलिस में कंप्लेन कर देना ये काले कलवे इंसान के ऊपर। चुप हो जा सिंचन, क्या बोल रहा है मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बात उन लोगों को। अभी हम लोग को जल्दी जल्दी लेबोरेटरी जाकर के बचाना है लोगों को कि हम लोग को गाड़ी ठोकना है। अरे तो ये बात तो आपको समझनी चाहिए ना कि आपको गाड़ी नहीं गाड़ी जल्दी चलानी है, और हाँ फास्ट चलाने के बाद वहीं जल्दी पहुंचनी है। अरे यार पता है मेरे को जल्दी चलानी पता नहीं यार। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये गाड़ी पलटा गई मेरे टकराने की वजह से। ओ सामने से हट जाओ। अरे यार सिंचन गिर गया, पीछे सिंचन गिर गया। अरे मार डाला रे। ये क्या फ्रैंकली भैया, मैं इतना सुकून से ऊपर बैठा हुआ था कि मुझे चोट ना लगे, बट आप क्या ऊपर में भी मेरे को चोट लगवा रहे हो। अरे माफ कर दे यार सिंचन, मैं जल्दबाजी के चक्कर में ना थोड़ा गाड़ी इधर उधर चला रहा हूँ, अब यार मैं एकदम स्पीड से चलाता हूँ और जल्दी से पहुंचाता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग लेबोरेटरी के रास्ते में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को एकदम सीधा सीधी जाना है, उसके बाद हमें लेबोरेटरी देखने के लिए मिल जाएगा। बट यार सिंचन तेरे को पता है वो लेबोरेटरी कितने सालों से बंद है, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, क्या पता कि वहाँ पे हो कि ना हो। अरे लेकिन आपको तो पता ही होगा ना वो वाली मशीन जो सुपर हीरो को एक्सचेंज करती है, इवल सुपर हीरो बनाती है, वो वाली मशीन सिर्फ वहीं पे पाई जाती है। अरे हाँ यार बहुत सालों पहले वो वाली मशीन बनी थी, बट उसी मशीन के चक्कर में ये पूरी ऑडिटोरियम को सील कर दिया गया था। लगता है ये थानोस और सारे लोग मिलकर के वही मशीन को वापस से चालू कर दिया, जिसके वजह से ये सारा कांड हो रहा है। हम लोग इतना अच्छे तरीके से आज पार्टी कर रहे थे बट पार्टी का ऐसा का तैसा कर दिया। भाई यार वो थानोस के वजह से, थानोस के बच्चे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, सिर्फ एक बार तू मिल जाए। अच्छा ठीक है दोस्तों, फ्रैंकली भाई क्या बोले, उसे छोड़ूंगा नहीं, कभी मिलेगा ना तो मैं यही बात थानोस के बच्चे को बोलूंगा। हे सिंचन मत बोल देना तो वरना वो मेरे को और मारेगा। चुप हो जा सिंचन। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एंड यार ये पार्किंग लॉट बन चुका है, मतलब लोग यहाँ पे बस पार्किंग मतलब गाड़ी रखने के लिए आते हैं। और भाई ये जगह बंद है सालों से, अब चेक करते भाई यार ये जगह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। ओके यार ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग देख पा रहे ये जगह खुला हुआ है सिंचन, ये जगह सच में खुला हुआ है। अरे मेरे को भी दिख रहा है मैं अंदर नहीं हूँ। अरे यार ठीक है अब यार जल्दी से अंदर चलते हैं, आ जा सिंचन। अरे गाइजर देख रहे हो हम लोग जैसे ही अंदर घुसे तो भाई दरवाजा भी बंद हो गया, मुझे तो बहुत ही डेंजर लग रहा है। गोकू और यार सिंचन आराम से चलना, हल्ला मत करना, पता चला थानोस लोग भी यहीं पे हो। हम लोग यार जल्दी से अंदर चलते हैं।
अरे हाँ जल्दी से अंदर चलते, चलो गोकू जल्दी चलो। अरे गोकू हमारे साथ, तो डरने की क्या हो बात। अरे यार वो तो पता है, बट यार ये लोग बहुत ही खतरनाक है। तू देख रहा है एरिया, देख रहा है सिंचर, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, मुझे तो डर लग रहा है। आ जाओ तुम लोग जल्दी। अरे आ रहे आ रहे। अरे इतना जल्दी क्यों चल रहे हो। अरे यार जल्दी नहीं चलेंगे तो क्या लेट चलेंगे। पता चला भाई कि वो लोग और नया कुछ ना कर दे, हम लोग को सबसे पहले सारे सुपर हीरो को ढूंढना पड़ेगा। और भाई मैं नहीं चाहता कि सारे सुपर हीरो भाई यार इवल में कन्वर्ट हो जाए, जिन्हें हराना नामुमकिन हो जाए। गजर देख रो वहाँ पे कितने छोटे छोटे केज है, पता नहीं यार इसमें क्या ही रखते होंगे। ओ भाई साहब देख रहे हो, हम लोग को और आगे जाना पड़ेगा। सिंचन आ रहे हो ना। अरे आ रहे आ रहे। अरे गोकू जल्दी चलो जल्दी चलो, फ्रैंकली बेको तो सबर ही नहीं है। और यार आराम से चलो, जल्दी ना चलो। सो गाइस यार जैसे कि आप लोग देख पा रहे, हम लोग यार धीरे धीरे करके अंदर जाए जा रहे एंड लगता है इस तरफ जाना है। ओके यार इस तरफ जाने के बाद भाई यार कितनी डेंजर इलाका, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे एकदम सीक्रेट मिशन चल रहा है, पता नहीं यार जिसके बारे में लॉस सेंटोस को कुछ खबर नहीं है, एकदम सीक्रेट मिशन यहाँ पे चालू है। एंड गाइस यार अंदर चलते, और अंदर जाने के बाद यार फिर से रास्ता पता नहीं यार। और ये ग्रीन कलर का क्या है, किस तरफ जाए समझ नहीं आ रहा। ऊपर जाए क्या, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करते। एंड गाइस ऊपर गए भाई यार, यहाँ पे तो दरवाजा बंद है यार सिंचन। अरे तो चाबी कहाँ से लाएंगे बताइए बताइए। चलो यार चाबी खोजने की कोशिश करते हैं, मुझे तो लग रहा है ये वाला जगह पे चाबी मिलेगा। एंड गाइस यार यहाँ पे आ गए। नहीं गाइस यार ये तो अलग ही एरिया है सिंचन, यहीं पे मशीनें लगता है। एंड गाइस यार जैसे कि आप लोग देख पा रहे यहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, वो भी डॉक्टर कहीं का। यहाँ पे पूरी जगह पे एक भी बंदा नहीं है, बट वो डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो उसको बताते हैं डॉक्टर। एंड गाइस यार ये देखो सुपरमैन भी है यहाँ पे, डॉक्टर के बच्चे को ले ले। मार खा, कैसा लगा, ये ले मर, भागे भाग। अरे बाप रे मार डाला रे, कैसा लगा पागल जैसा, फिर से उठ गया, ये ले तू नहीं समझेगा ना, ये ले मर। भाई साहब कैसा लगा, मरा ना, अच्छा से मर गया। चलो यार पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करता। सुपरमैन हम लोग आ गए तुम्हें बचाने के लिए। सुपरमैन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत ही घुटन फील हो रही है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। फाइनली यार हम लोग को सुपरमैन मिल गया। सुपरमैन तुम ठीक हो ना। अरे मैं तो ठीक हूँ, बट तुम्हें पता है मेरा भैरूपिया बनाया गया है, वो भी ईवल सुपरमैन, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। अरे हाँ भाई हम लोग उससे मिल चुके, उसने पता है क्या क्या, पता है जितने भी अवेंजर्स है ना सबको बेहोश करके थानोस के साथ लेके गया। अच्छा ये काम किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो हम लोग यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, ये एरिया बहुत ही डेंजरस है। अरे हाँ भाई चलो चलो यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं, चलो। फाइनली गाइजर हम लोग ये वाली लैबोरेटरी के बाहर आ चुके हैं। एक काम करो सब लोग यार ये बैटमैन की गाड़ी में जल्दी से बैठो। अरे फ्रैंकली भैया इसमें तो सिर्फ दो ही जन बैठ सकते हैं। अरे यार एडजस्ट करो यार, जल्दी से एडजस्ट करो, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना थानोस लोग आ गया ना तो सच में चटनी बना देगा। किसकी चटनी बनानी है बताओ, कौन सी तीखी या मीठी, कौन सी पसंद है फ्रैंकलिन तुम्हें? मुझे मीठी चटनी पसंद है, मीठी चटनी मिल जाएगी ना? तो चलो सायरन हेड को मीठी पसंद है तो फ्रैंकलिन की मीठी चटनी बनाते, क्यों फ्रैंकलिन? अरे गाइस यार शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, तुम लोग सब तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए आए, वो भी मीठी चटनी खाने के साथ, तुम लोग भी बैठो यहाँ पे चटनी के साथ पिकनिक बनाते हैं। अरे तुम क्या पागल हो गए हो, चटनी के साथ कोई पिकनिक थोड़ी ना बनाता है, चोको चिप्स के साथ पिकनिक बनाता है। चोको चिप्स नहीं लेके आया ना, रुको मैं लेके आता हूँ बाहर से। तुम लोग सब यहीं पे रुको, मैं जल्दी से जल्दी चोको चिप्स लेके आता हूँ। अरे हम लोग को पिकनिक करना है। अरे मैं सायरन हेड और थानोस मैं अभी आता हूँ लेकर के, अभी आता हूँ। बच्चे हमें बेवकूफ समझा है क्या, यहाँ पे जा रहा लेने के लिए। अरे ये आजू बाजू में कोई भी दुकान नहीं है चोको चिप्स की, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी लो, आगे से जाना। अरे वाह दोस्तों चाबी भी मिल गई, शुक्रिया सायरन हेड, हाँ मैं तुम्हारे लिए भी लेके आऊंगा, चलो जल्दी से जाता हूँ। सायरन हेड तुम एक नंबर का पागल हो क्या, वो चटनी लाने के लिए नहीं मतलब कि चोको चिप्स लाने के लिए नहीं जा रहा, वो भाग रहा है यहाँ से, उसे पकड़ो, छोटे बच्चे को पकड़ो। ए छोटे बच्चे वापस आ, हमें बेवकूफ समझा है। पता नहीं थानोस सर कैसे कैसे नमूनों को अपने टीम में रख लेते हैं। सायरन हेड तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, वो भाग रहा था ना कि वो चोको चिप्स लाने जा रहा था, और क्या तूने अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दी, तू पागल है क्या? मुझे लगा इन लोग को मारते मारते थोड़ा बहुत पिकनिक भी बन जाए। ए बच्चे वापस आ जा, बिना मतलब का मेरे को भी डांट खिला दिया। अरे क्या सायरन हेड पहले बोलना चाहिए था ना, मैं इतना अच्छे से प्लान बना लिया था चोको चिप्स लाने का। ये क्या तुम तो एकदम मेरे ही जैसे दिखते हो, तुम मेरा भैरूपिया बन गए हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ईवल सुपरमैन, तुम चाहे कितना भी ताकतवर हो
बट मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। मजाक कर रहे हो ना? मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम मेरे को जिंदगी में नहीं हरा पाओगे। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, चलिए साइड से निकलिए, यहाँ पे ये लोग व्यस्त है। आ जाओ सब साइड से आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकलते हैं। चलो मैं तो निकल गया, आप लोग भी आ जाओ। चलो जल्दी से वेट करते सुपरमैन के जीतने का। हम लोग का सुपरमैन जैसे ही जीत जाएगा फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ यार, सुपरमैन बहुत ही पावरफुल है, अगर वो जीत जाएगा ना तो भाई सच में फिर थैनोस भी यहाँ से भाग जाएगा, फिर सारे एवेंजर्स वापस आ जाएंगे, कितना मजा आ जाएगा ना। तो मैं छोड़ूंगा नहीं इवल सुपरमैन। ये लो कैसा लगा ये लो? हा, इतना कमजोर वार। मुझे तो हंसी आ रही है सुपरमैन, अब तुम देखोगे असली इवल सुपरमैन की पावर। ये लो कैसा लगा, मैंने तुम्हें ऐसे ही जला के मार दिया। अब देखो ये लो, तुम मार खाओ ये लो और मार खाओ सुपरमैन, ये लो पूरा ले लो, मरो यहाँ से, निकलो कमजोर सुपरमैन, तुम बच के कहाँ जाओगे। ये लो, तुम मेरे को कॉपी बोलते हो बट मैं तुमसे बहुत ही बेहतरीन हूँ। ये लो कैसा लगा, हा हा हा, ये भी लो, ये लो और लो ये लो, खत्म हो जाओ। फाइनली ये मर गया, हा हा हा, मजा ही आ गया। चलो मैंने इसका पत्ता साफ कर दिया। चलिए थैनोस सर, हम लोग अपना बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं। ये सब नॉर्मल कीड़े मकोड़े जैसे आदमी लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे। और ये गजर, ये क्या हो गया? सिंचन देख, सुपरमैन यहाँ पे डेड कर गया, मतलब यार सच में सुपरमैन यहाँ पे मर गया भाई। अबे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सीन हो गया, सुपरमैन ऐसा नहीं हो सकता भाई। यार क्या ही मार खाया है भाई सुपरमैन, अरे कुछ तो बोल यार भाई, यार ये कुछ बोल भी नहीं रहा। अरे सिंचन और गोकू जल्दी चेक करो यहाँ पे आके। अरे ये तो सच में कुछ नहीं बोल रहा। हाँ ये सच में मर गया, इसकी धड़कन नहीं चल रही। और ये गजर, ये तो सुपरमैन मर गया, ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब यार पता नहीं हम लोग को दूसरा प्लान लेके आना पड़ेगा, वो थैनोस और ईवल सुपरमैन से लड़ने के लिए। गजर आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपके पास कोई भी आइडिया कि हम लोग किस तरीके से जीत पाए थैनोस से और उसकी आर्मी से तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।